हेलो गाइस वेलकम बैक गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब देखो आज मुझे बहुत सारी काम करनी पड़ेगी कल सारे साफ सफाई करके जब मैं सोई तब काफी टायर्ड थी इसीलिए मैं बहुत अच्छे से सोई रात भर मतलब ऐसा हुआ कि मैं सोई और सुबह अलार्म बजने पर नींद खुली इट वाज द बेस्ट फीलिंग यू नो और आपको तो पता चल ही रही होगी की मैं इतने साफ सफाई और इतनी तैयारी क्यों कर रही थी क्योंकि मेरे दोस्त लोग आने वाले थे एंड दे केम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम तीनों साथ में मिले थे शायद एक साल से भी ज्यादा हो गए होंगे उस बात को और बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे तो फाइनली टुडे वाज द डे और आपको पता ही चल रही होगी कि काफी लेट हो चुकी है मुझे ऐसे आठ बजे तक उठना था पर अभी इट्स लाइक नाइन थर्टी और टेन ओ क्लॉक आई एम लाइक ओ माई गॉड जल्दी जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैं कुछ खरीदने जाऊंगी और वो सुबह सुबह अच्छी मिलती है इसीलिए मैं अलार्म भी लगाई थी पर पता नहीं क्यों मैं ना अलार्म ऐसे पोस्टपोन करती रहती हूँ की पंद्रह मिनट के बाद पंद्रह मिनट के बाद और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी रोशनी आ रही है और आज मैंने प्रॉमिस किया खुद को की जो चीजें मुझे चाहिए मैं बस वो ही लेके आऊंगी एक्स्ट्रा चीजें नहीं खरीदूंगी आज मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ मैं एक चीज खरीदने जाती हूँ फिर मैं सोचती हूँ क्या ले सकती हूँ क्या ले सकती हूँ करके तीन चार चीजें और उठा के लाती हूँ ये सारे मैं देख रही थी वैसे हाँ, आपको दिखा रही थी मेरे पास सब्जियां बहुत सारे हैं बस दो चीजें खत्म हुए थे मैं वो दोनों चीजें ले ली हूँ ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगी यहाँ पर नहीं तो फिर कुछ ना कुछ खरीद लूंगी मैं जो चीजें मुझे चाहिए थे वो सारे ले लिए और अभी मैं वापस जाऊंगी ये ना शॉल ओढ़ के गई थी मैं लिटरली अभी काफी ज्यादा गर्मी लग रही है सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक पांच छः बजे ठंडी लगती है थोड़ी सी और फिर जब ऐसे 10, 11, 12 बजे तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिर धीरे धीरे करके जब शाम होती है तब भी थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होता है पर अभी तो गर्मी आ ही गई है ऑलमोस्ट पंखा भी चलाने पड़ रहे हैं कभी कभी आई एम लिल सैड पर क्या कर सकते हैं अब एक साल वेट करने पड़ेंगे विंटर के लिए पर इस बार ना अनफॉर्चुनेटली विंटर मेरे इतने अच्छे नहीं बीते हैं एंड बहुत सारे मेंटल एंड बहुत कुछ चीज़ें जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ पे पर कोई बात नहीं कुछ चीजें ऐसे पर्सनल होते हैं जो सबको कंफर्टेबल नहीं होते शेयर करने के लिए अगर कभी कंफर्टेबल हुई तो मैं ज़रूर से बताऊंगी पर हाँ तो मुझे ये समय याद आएंगे मेरे को हमेशा ऐसे होते बताए। मतलब जो चीजों से मैं गुजर रही होती ना उस समय का जो मतलब मौसम है इवन खुशबू भी फॉर दैट मैटर मे बी उस समय जो परफ्यूम मैं यूज कर रही थी या मतलब जो भी मेरे कैंडल्स है कुछ जो मैं यूज कर रही हूँ उस समय जिस समय मैं इसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रही हूँ वो को ना बाद में जब उसकी स्मेल आती है या वो मौसम वैसी होती है तो मुझे उस चीज़ों की याद आते हैं एंड इट्स रियली सैड कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ विंटर और मैं नहीं चाहती कि हर साल जब विंटर आए तब मुझे इस समय की याद आए जिस चीज़ों से मैं गुजरी इस साल विंटर के टाइम पर आई जस्ट होप कि नेक्स्ट ईयर विंटर में ऐसा कुछ मिराकिल हो जाए जिससे मैं ये सारे जो भी मेमोरी है मेरे जो इतने अच्छे नहीं है ये सब मैं भूल जाऊँ लेट्स होप फॉर द बेस्ट और मिराकिल होती है मेरे लाइफ में भी हुई है कभी कभार ऑफकोर्स uh, uh, जैसे एक्सपेक्ट करती हूँ ऐसा नहीं होता है कुछ और ही हो जाती है एंड आई थिंक गॉड नोज इट बेटर कि आपके लिए कौन सा बेहतर है इसीलिए अभी मैं मांगना ही छोड़ दी हूँ क्योंकि मुझे पता है जो मैं मांगूंगी वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे लिए सुटेबल नहीं होता है वो बाद में मुझे पता चलती है सो यस इट्स इट्स ऑल अप टू हिम अपट एवर यू गिव मी आई एम रेडी टू टेक इट इधर गुड और बैड वैसे तो कोई चीज़ें बुरे नहीं होते हैं वो भी एक एक्सपीरियंस है और अगर वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो तो आपको जो जब भी अच्छे कुछ होंगे तो आप अप्रिशिएट कैसे करोगे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप उसको वैल्यू कैसे करोगे एंड लाइफ इज ऑल अबाउट दिस अप्स एंड डाउन ये बहुत नॉर्मल है सबके लाइफ में होती है इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं नहीं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर आवर मे बी अभी मैं नहा के आ गई हूँ आई <laughs> थे पर अभी मैं अकेली रह रही हूँ तो सब कुछ करना पड़ रहा है क्या कर सकते हैं बट आई एम बींगल अभी मेरे पास टाइम नहीं बचता कुछ ऐसे और चीज़ें करने के लिए नहीं तो मैं बकवास चीज़ें करके थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करती थी एंड डे yes, जब वैसे ऑर्गेनाइज रहते क्लीन रहते तो फिर दिमाग में सही से काम करते पता है चलो अभी पूजा कर लेते हैं आप लोग पूछते थे मुझे आप पूजा नहीं करती पूजा नहीं करती मैं बहुत ज्यादा पूजा करती हूँ वैसे पर कभी कभार मैं दिखाती नहीं थी पर हाँ क्योंकि अभी मैं अकेली रह रही हूँ तो ज्यादा ही पूजा कर रही हूँ एक तो आप मुझे डर लगती है आपको मैं बता रही थी उस दिन और फिर अकेले में क्या ही करूँ तो ऑफकोर्स लाइक आई एम पेइंग मोर अटेंशन टू गॉड विच इज अ गुड थिंग मुझे लगता है सभी को करनी चाहिए आई एम नॉट लाइक यू फॉलो से जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं उसमें जो भी हैं जिनको भी आप मानते हो आप उनको थोड़ा टाइम दो अपने दिन में चौबीस घंटे से निकाल के और वो अपने ही लिए बेनिफिशियल होती है ऐसा नहीं कि उनको आप दे रहे हो वो समय आप अपने आप को दे रहे हो एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली जो लोग ऐसे अकेले रहते हैं और ऐसे लोनली महसूस करते हैं आई थिंक उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप थोड़ी एंशियस फील कर रहे हो एंड यू आर मे बी थोड़ा सा डिप्रेशन भी मुझे एक्चुअली डिप्रेशन के मतलब नहीं पता थे पर एक साल से यहाँ पे काम करने के बाद लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आई हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ डिप्रेशन अब मैं बोलूँगी नहीं ऐसे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ बट हाँ लाइक आई कैन अंडरस्टैंड लोग उस जोन में कैसे जा सकते हैं एंड इफ़ यू आर कॉन्शियस यू कैन काइंड ऑफ अवॉइड बट समटाइम्स सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि अगर आपको ऐसे महसूस हो रही है तो यू शुड सीक फॉर हेल्प यहाँ पे इंडिया में स्पेशली हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर ज नॉट अ गुड थिंग पर हां साथ में अगर आपको लगती है कि हाँ माइनर है यू कैन डू लाइक डी आई वाई डू इट योर सेल्फ देन यू कैन डू सम प्रेयर थिंग एंड फोकस ऑन टू योर सेल्फ मोर एंड फोकस ऑन टू दिंगस इज लाइक पॉजिटिव नेगेटिव चीजें इग्नोर करो नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चूज योअर पीपल हु ऑल यू आर सराउंडेड विथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड दे कैन हेल्प यू आउट ऑफकोर्स रीच आउट टू दैम डोंट हेजिटेट टू शेयर बट ऑल्सो मेक श्योर कि वो आपके दोस्ती हैं uh, मैं दोस्ती के मतलब भी नहीं जानती थी सच में uh, मुझे दोस्ती क्या है वो पता चली जब मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई इससे पहले लिटरली आई आई यूस टू थिंक दे आर माई फ्रेंड बट

था अभी ऐसा नहीं होता हम बड़े हो गए हैं सब कोई तो हम जानते हैं कि हाँ कितना भी लड़ना झगड़ना है तो हाँ मतलब वो अंदर रखने से बेहतर अगर मुझे कुछ चीजों से बुरा लगता है तो मैं बता देती हूं कि हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लगा जो भी है बता देना ही चाहिए नहीं तो वो फ्रेंडशिप फिर बाद में खराब होती है एंड आई एम समॉन आई के नॉट कीप थिंग्स इन साइड मी मुझे अगर कुछ महसूस होती है तो बताऊंगी जरूर से और आई एम नॉट अ गुड सीक्रेट कीपर ऑल्सो ऑफकोर्स कुछ सीक्रेट्स है जो मैं किसी को बताई नहीं हूं कभी पर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है नाउ इट हैज़ बिकम लिल ईजियर बिकॉज फ्लाइंग के वजह से मेरी मेमोरी काफी वीक हो गई है तो इसीलिए मुझे याद नहीं रहती ज्यादा देर तक स्पेशली अगर वो बातें याद भी रहती है ना किसने मुझे बोला है ये याद नहीं रहता विच इज़ अ गुड थिंग एंड यस लाइक ऐसा भी नहीं है मैं सबको बता दूंगी पर फिर भी मुझे तकलीफ होती है इसलिए कोई अगर आके मुझे बोले लिसन नो आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विध यू एंड यू कान शेयर दैट विद एनी वन आई वुड जस्ट से लिसन प्लीज डोंट टेल मी मुझे मत बताओ क्योंकि मेरे को ना ऐसे पेट के अंदर गुड़ होती है जब तक वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ किसी के साथ चलो अभी बहुत सारे बातें हो गए हैं आई एम ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस वैसे तो हम हाफ ऑफ द थिंग्स यूज नहीं करने वाले हैं पर ये सारे मेरे पास है तो इसीलिए मैं निकाल के रख रही हूँ तो करने का मौका ही नहीं मिलता एज अ अ शो पीस लाइक लाइक दिस दिस वन इज बॉटल मे बी जो मैं खरीदी थी बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था खाली है देखो ऐसे खाली सजा के रखती हूँ मैं कभी कभार वैसे तो इसके अंदर कुछ रखोगे तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू तो क्लीन इट वो अंदर मतलब यू हैव टू बाई दिस क्लीनिंग थिंग जो मिलती है ना ऐसा ब्रश जैसा चलो अभी मैं कुछ खा लेती हूँ मुझे भूख लग रही है

टाइम प्लीज मुझे थोड़ा सा व्लॉग करने के लिए अलाउ करना क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा कैमरा शाई है और अफकोर्स लाइक हमारे बीच में ऐसे बातों के बीच में आई डोंट वॉन्ट द कैमरा टू इंटरफेयर मुझे बस आप लोगों से मिलवाने थे इन लोगों को एंड यस दिस गाइज आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट जस्ट लाइक एज यू गाइज आर और अभी आप सभी मिल लिए तो हाँ ये एक्चुअली में फ्रेंड्स रियूनियन है चलो खाना खा लेते हैं मैं खाना बनाई हूँ नहीं मैं और आंटी दोनों मिलके बनाए हैं मैं अकेले बनाती हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाती हूँ और मुझे टेंशन भी होती है क्योंकि भले ही खाना बनाना मुझे पसंद नहीं है पर फिर भी मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ तो हाँ अब समझ सकते हो जो चीजें मुझे पसंद है वो मैं कितने अच्छे से करती हूँ मेरा ऐसा फंडा है की अगर करना है तो अच्छे से करना है और नहीं तो करना ही क्यों बातें करते करते शाम हो चुकी है पूजा कर लेती हूँ और फिर बातें करने लग जाएंगे हम फिर से फिर हम डिनर करेंगे और फिर वो दोनों चले जाएंगे मैं इनिशियली बोली थी कि घर पे बता के आना स्टे ओवर के लिए पर मम्मी पापा को कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे ओवर स्टे करने के लिए मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी अलाउ नहीं करते हैं एंड येस लाइक कैन यू इमेजिन में शादी भी हो चुकी है फिर भी लाइक like, पता नहीं अगर आपको ये स्ट्रेंज लगती है तो यू आर लकी और अगर आपको भी आपके मम्मी पापा ऐसा अलाउ नहीं करते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कभी कबार झूठ बोल के मैनेज कर सकते हैं शायद ऐसा भी नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलती पर फिर भी आई डोंट प्रेफर टू लाई क्योंकि मुझे टेंशन होती है बहुत ज्यादा और फिर लाइक इट्स नॉट अ गुड फीलिंग यू नो डर कि अच्छा कोई बात नहीं मान लेते हैं उनके बाद मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा कभी कभार अगर मुझे अच्छा भी नहीं लगता फिर भी मैं मान लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं एल कॉम्प्रोमाइज डिनर करने के बाद मेरे फ्रेंड लोग चले गए हैं एंड पेनी इज सैड घर पर कोई भी आए मम्मी पापा भी आए रिलेटिव भी आए फ्रेंड्स भी आए तो पेनी सबसे पहले सैड होती लाइक एम आई आई नॉट इनफ फॉर यू आस्किंग लिए मैं तो तुम्हारे साथ रह तो कंप्लेन नहीं करा है कल सुबह तक भूल fun, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये व्लॉग कैसी लगी और हाँ लाइक करना मत भूलना मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से आप अपना ध्यान रखना बाय बाय गाइज टेक केयर आई एल सी यू अगेन वेरी सुन